भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही भारत माला परियोजना का किया गया विरोध। विरोध में खूंटी कचहरी मैदान में एकत्रित हुए आदिवासी सभा समिति के हजारों संख्या में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया, मैं हूं गौरव कुशवाहा। खूंटी से देखे एक रिपोर्ट। भारत माला सड़क परियोजना के तहत ग्रामीणों जो भी भारत सरकार लागू करके रांची और चाईबासा रोड को चौड़ीकरण कर रहा है, उसी के विरोध के रूप में हम लोग यहां आज जमा हुए हैं। लेकिन आज जो यहां जिला प्रशासन हम लोग को जमा होके एक विरोध नहीं करने दे रहा है, इसलिए हम लोग को कुछ आज तकलीफ, बहुत ज़्यादा तकलीफ लगा है। लेकिन फिर भी हम लोग आज जाके एक सामूहिक ज्ञापन लिख के उसको डीसी महोदय को सौंपेंगे। क्या नाम? मेरा नंदलाल कुमार मुंडा, मुरू ब्लॉक हुआ साणी गांव, ग्राम प्रधान। पूरे झारखंड वासियों को मेरी तरफ से जोहार। मेरा नाम है मार्को सांगा, ग्राम डुंगरा है। अभी जो केंद्र सरकार का योजना है भारत माला इकोनॉमिक कॉरिडोर जो रांची से जयंतगढ़ की ओर ले जा रही है, उसमें जो सड़क चौड़ीकरण का काम होना है, चौड़ीकरण के लिए जो प्रस्ताव निकाला है उसमें हम लोग सहमत नहीं है। इसीलिए कि सड़क बहुत ही चौड़ा जा रही है, चौड़ा करने का बात आ रही है, जिसमें देखा जाए तो 204 फीट का लगभग ये बात आ रही है, उसमें हम लोग सहमत नहीं है। इसीलिए एक सड़क बन जाती है तो हमारे हित के लिए भी नहीं है, और हम गांव ग्रामीण है, गांव ग्रामीण होते हुए वो गुजरेगी तो हमारा जो बैल बकरी है या तो हम लोग हैं वह उनको भी दिक्कत परेशानी होगा इधर से उधर पार होने के लिए। और हमारे यहाँ डुंगरा में तो विशेषकर रांची और खूंटी के बीचों में है, बीचों बीच में है डुंगरा ग्राम, वहाँ तो विशेषकर अपनी रोड को छोड़ के पूर्ववर्ती जो पहले रोड है उसको छोड़कर नई रोड का निर्माण जो होने का वो नक्शा जो निकाला है उसमें तो हम बिल्कुल ही सहमत नहीं है। इसलिए हम आज ये खूंटी कचहरी मैदान में इकट्ठा हुए हैं अपने विरोध का प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन किसी कारण वहाँ समय रोका गया है। फिर भी हम हार नहीं मान रहे हैं और आज हम सभी लोग यहाँ मिलजुल के एक विरोध पत्र तैयार करके अभी तुरंत ही डीसी महोदय को सौंपने का काम करेंगे। कचहरी मैदान में भारत माला जो रोड चौड़ीकरण हो रहा है उसका विरोध में हम लोग बैठक करने जा रहे थे, तो यहाँ SDO साहब या कुछ जिला के अधिकारी लोग हम लोग को मैंने बैठक चाहे तो टेंट उंट कुछ भी आवाज़ ये सब मैंने लाउड स्पीकर ये सब से आवाज़ करने के लिए और बैठक नहीं करने के लिए बोले। तो फिर भी हम लोग इस मैदान में कुछ बैठक करके हम लोग का जो काम है उसको हम लोग DC के यहाँ अपना ज्ञापन, विरोध का जो ज्ञापन हम लोग DC को देने जा रहे हैं। सामूहिक रूप से हम लोग अपना गांव जो प्रभावित गांव है उसको सामूहिक रूप से पेपर विरोध में बना के हम लोग देने का काम कर रहे हैं। किस प्रकार का विरोध रहा है आप लोग, किस चीज़ का? जैसे भारत माला रोड चौड़ीकरण हो रहा है NH, उसी को 204 फीट चौड़ीकरण हो रहा है, तो 204 फीट चौड़ीकरण होगा तो निश्चित रूप है कि हम लोग ग्रामीण लोग का खतियानी जमीन जाएगा। खतियानी जमीन में हम लोग घर कुआँ बारी खेती बाड़ी करते आए हैं, घर भी बना हुआ है तो सब घर उजड़ जाएगा, जमीन भी जाएगा, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। और चूंकि ये रोड बन जाएगा तो हम लोग का जहाँ तक समझ में है ये रोड बड़ा बड़ा पूंजीपतियों के लिए रोड बनेगा, हम लोग ग्रामीण से इसका कुछ लाभ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सामुएल सांगा हुआ, खुदी है संगठन से पीछे। नहीं, हम ग्राम सभा से गांव का ही सदस्य हैं। लगभग कितने यहां पर सभा एकत्रित हुए हैं? अभी हम लोग करीब तभी थे, ढेर ही थे, करीब करीब हम लोग ज्यादा ही थे, ढेर करीब भीड़ संख्या में थे, लेकिन 2000 से ऊपर थे हम लोग। तो आज हम लोग भारत माला रोड परियोजना को लेकर के लगभग 3 प्रखंड से लोग आए थे, और हमारा जो मांग है कि जो जितने भी किसान हैं उनका भी जमीन जा रहा है और बहुत सारे लोग घर से बेघर हो सकते हैं, तो इसी को लेकर के हम लोग इतने भारी संख्या में आज आए थे। लेकिन आज का जो यहाँ पे सभा था वो स्थगित कर दिया गया है, और फिर भी हम हार नहीं मानेंगे,
और हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा, और इसी को लेकर के हम लोग उपायुक्त को भी एक लेटर देंगे। और इतना ही कहकर हम अपना बात को अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परिचय हुआ अमर बाबू, और एक हम कहाँ से, हम काला माटी से हैं, और एक जनता चाहे एक समाज का आदमी होने के नाते, चाहे किसान का बेटा होने के नाते ये बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माला परियोजना के तहत बनाए जाने वाले सड़कों के विरोध में आज खूंटी कचेरी मैदान में एक आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त पहाड़ा सभा के अध्यक्ष सोमा मुंडा कर रहे थे, लेकिन उन्हें आम सभा नहीं करने दिया गया। बता दें कि उनके पास सभा करने की अनुमति नहीं थी, जिसके कारण प्रशासनिक पदाधिकारियों ने पहुंचकर सभा को भंग कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। एमके न्यूज़ इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, और देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरों के लिए एमके न्यूज़ आईडी। नमस्कार।